हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शाम के नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो इसके लिए ले लिया है मैंने ये थोड़ी सी मैक्रोनी। तो चलिए बनाते हैं। और यहाँ गैस पे रख दिया मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए। मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है। अब छन्नी है तो छन्नी में निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे ही भगोने में प्लेट लगा के थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए, पानी इसका निकल जाएगा। ये देसी जुगाड़ है जल्दीबाजी में। अगर आपको जल्दीबाजी में काम करना है तो इसी तरह वो कर लिया। छन्नी ऊपर रखी थी तो दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और इसमें डाल देते हैं दूध। और गैस को ऑन करके अब हमने रख दिया है इस पे कढ़ाई। और तब तक कट कर लेते हैं हम थोड़ी सी सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो तीन प्याज और दो टमाटर और दो तीन हरी मिर्च कट कर लिया है। और अब कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, आप जो भी यूज करते हो वो डाल लीजिए। और ये जीरा हमारा अब हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम कटी हुई प्याज और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ मैंने रखी हुई है चाय। जो चाय मेरी उबल के भगोने से थोड़ा सा बाहर आ गई है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। और टमाटर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि वो गल जाएं, बस इतना फ्राई करना है कि नरम पड़ जाएं थोड़े से। और अब हम इसमें डाल देंगे उबली हुई मैक्रोनी। थोड़ा चम्मच से चला लेंगे क्योंकि उबली हुई होती है ना तो आपस में चिपक सी जाती है। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब आपस में मिल जाए। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ मैंने MDH गरम मसाला डाला है, आप जो भी यूज करते हो वो गरम मसाला डाल लीजिए। और डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मेरे पास ख़त्म थी तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है, आप हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसको अब हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी डाल लेंगे लाल मिर्च और थोड़ा सा मिक्स करके इसको ढक्कन लगा के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला थोड़ा सा पक जाए अच्छे से। और यहाँ पे हमारी चाय भी पक चुकी है तो अब हम चाय कप में निकाल लेते हैं। और 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम अपनी मैक्रोनी चेक कर लेते हैं। तो ये मैक्रोनी हमारी हो गई है तैयार। तो चलिए अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसमें रख लेते हैं चाय का कप। और चलिए अब इसको सौरभ को देते हैं और पूछते हैं कि कैसी बनी है। अरे वाह, थैंक यू।